subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीश सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन लाए हैं। इसमें क्वेश्चन 29 से लेके आगे के बीच बताया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 28 तक क्वेश्चन बताए थे। आई होप आप लोग पूरा लगाए होंगे और पूरा आप लोग समझ में आ चुका होगा कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं। यह वीडियो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे इसको किया जाएगा। 29वां क्वेश्चन क्या दिया है, cot x log sin x ये दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और एक और बात हम बता दे रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लगाते हैं इसको, देखिए क्या दिया है, cot x log sin x। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन करने पर, क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल cot x log sin x इंटू डी एक्स। अब देखिए हम लोग जानते हैं समाकलन हो गया तो मानने वाला प्रोसेस लाएंगे, मानने वाला प्रोसेस में क्या क्या मान लेते हैं, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे। तो माना हम लोग अगर log sin x मान लें तो cot हम लोग का आ जाएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे log sin x इसकल टू हम लोग टी मान ले रहे हैं, देखिए कितना आसानी से आ जाएगा। तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो 1/x जाता है ना, तो साइन को मतलब 1/sin जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इंटू डी एक्स इसकल टू क्या हो जाएगा, डी टी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर हम लोग बता दे रहे हैं। देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो 1/x होता है, यही होता है, तो log sin x दिया है तो 1/sin x होगा, इंटू साइन एक्स का भी यहाँ पर अवकलन होता है, साइन का अवकलन कॉस होता है, इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। समझ में आ गया, चलिए इसको देखते हैं, आप आगे बढ़ाते हैं। तो कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा, cot x इंटू डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब इसमें मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल cot x, cot x को क्या लिए, cot x इंटू डी एक्स को डी टी, तो हम लोग सबसे लास्ट में इसको लिख देंगे डी टी। अब देखिए log sin x को क्या माने, हम लोग t माने हैं तो यहाँ पे t रख देंगे, तो इंटीग्रल t इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। इंटीग्रल t इंटू डी टी क्या होता है, हम लोग जानते हैं, घात में एक और जोड़ देते हैं बटा में उतना ही लिख देते हैं, तो t पर 1+1 इट्स मीन क्या होगा, 2 लिख दें अपन 2, तो यहाँ पे t का मान रख देंगे, t का मान क्या बदल दिए हम लोग, log sin x, तो लिख देंगे log sin x अपॉन 2 के पावर इसमें क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस सी, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले इसका आंसर हो जाएगा। 29वां का आंसर क्या हो जाएगा, log sin x का होल घात स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, तीसवां क्वेश्चन दिया, sin x अपॉन 1+cos x ये दिया है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का बस मेथड देखिएगा, मेथड ही मेन चीज़ है, मेथड आपको आ गया तो सब चीज़ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका समाकलन करने पर, क्या समाकलन करने पर, आप हंसते खेलते में इसको लगाएंगे, समाकलन करने पर, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, हंसते खेलते चलिए, एकदम लगाते चलिए। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या, इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1+cos x हम इंटू डी एक्स। अब यहाँ तक तो आ गया, हम लोग जान चुके हैं 1+cos x को कुछ मान लेंगे कि नहीं, मानेंगे ना। देखिए 1+cos x हो तो 1 का 0, cos का क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया कि नहीं, तो हम लोग मान लेंगे, माना 1+cos x इजकल टू टी, इसको टी मान लिए, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1+cos x इजकल टू टी, तो अवकलन करने पर, तो अवकलन लिखते नहीं है, इसमें समाकलन चल रहा है, तो इसका 0, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स, अभी जस्ट बताया इंटू डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो इसमें मान रख देंगे तो इंटीग्रल, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स अब क्या लिख देंगे, डी टी, 1/1+cos x क्या लिख देंगे, टी, यहाँ पर टी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इंटीग्रल 1/t इंटू डी टी क्या होता है बताइए, 1/t log t होता है कि नहीं, तो हम लोग लिख देंगे इसका log t,
इट्स मीन क्या होगा, टी का मान रख देने पे तो लॉग टी का मान क्या लिए, वन प्लस कॉस, तो वन प्लस कॉस एक्स और प्लस सी और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखते जाएं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, पूरा का पूरा हर वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, शायद आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे मजा आएगा, पूरा वीडियो देखते चलिए ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पाते हैं, इकतीसवां क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इकतीसवां क्वेश्चन, जैसे कि तीसवां क्वेश्चन लगाए हैं सेम टू सेम वैसे ये इकतीसवां क्वेश्चन है, उसमें बस स्क्वायर दे दिया है, लेकिन स्क्वायर नहीं मानना है हम लोग को, बीच वाला बस मान लेना है। ये तो आप लोग हम कर लेंगे, इकतीसवां क्वेश्चन आसान है, नहीं होगा तो हम जरूर बताएंगे इसमें। चलिए बत्तीसवां क्वेश्चन, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है इसलिए आप लोग बता दे रहे हैं बत्तीसवां क्वेश्चन कैसे होगा। क्या दिया है, वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स, तो हम लोग लिख देंगे इसको सॉल्व करने में, क्या लिखते हैं, समाकलन करने पर, क्या समाकलन करने पर इसका आप देखिए समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स। तो हम लोग जानते हैं वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स इसमें कुछ मानने वाला भी नहीं है, तो मानने वाला हम लोग बनाएंगे अपने पास से। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस हम लोग कॉट एक्स को ला देंगे, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन सॉरी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स लेके चलेंगे। अब देखिए इसका इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वन अपान इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस साइन एक्स को हम लोग क्या ले जाएंगे, ऊपर ले आएंगे ना, तो देखिए ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसे ऊपर ले आएंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया, अब क्या करेंगे इसमें दो से गुणा कर देंगे या दो से भाग कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा टू साइन एक्स हो जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसमें कॉस है ना, तो एक बार कॉस को जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, इन करेंगे, देखिए एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो वन अपॉन टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने का मतलब माइनस काउंट कर लेंगे, तो देखिए माइनस काउंट कर रहे हैं तो ये कॉस एक्स काउंट कर लिए तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबके साथ डी एक्स लेकर चलते रहिएगा, डी एक्स को मत भूलिएगा, डी एक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है लेके चलना। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे हो जाएगा इसका आगे, तो इसको अलग अलग अब कर देंगे, अलग अलग करेंगे कैसे देखिए, तो इसको हम लोग कर लेंगे इंटीग्रल वन अपॉन टू इंटीग्रल इसके बेटा उसके बेटा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये भी क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक क्वेश्चन में इसको भी एक क्वेश्चन में इसको माइनस, अब ये इसको अलग करेंगे तो इसका भी बटा जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा वन अपॉन टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस के सॉरी देख लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो आप क्या कर देंगे माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको नीचे लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स और डी एक्स इसमें भी लेते चलेंगे, ये पूरा कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग एक बटा दो को कॉमन ले लेके चलते हैं सबसे अच्छा रहेगा, कट जाएगा तो एक इंटू डी एक्स होगा माइनस वन अपॉन टू यहाँ से हट गया क्योंकि बाहर ला दिए, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा ये भी इंटीग्रल रहेगा क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए अब इसमें मानने वाला प्रोसेस आ गया है इंटू डी एक्स इसमें आ गया मानने वाला प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, लिख लेंगे माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका टू क्या मान लेंगे हम लोग टी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इन टू डी एक्स इसका टू क्या हो जाएगा डी टी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक बटा दो है तो एक बटा दो इंटीग्रल वन इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा यक्स होगा ना, यहाँ पे यक्स माइनस इसका रखेंगे इंटीग्रल
cos x माइनस साइन x, तो cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या है डी टी, यहाँ पर डी टी और वन अपॉन इतना का मान क्या है t मान लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे होता है। वन अपॉन टू इंटू ये यक्स है तो यक्स ही रखने देंगे। अब माइनस इंटीग्रल वन अपॉन टी को हम लोग क्या लेते हैं लॉग टी, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग टी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए टी का मान रखेंगे तो वन अपॉन टू यहाँ पे यक्स माइनस लॉग टी का मान क्या है, टी का मान हम लोग ए माने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम लोग लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब प्लस सी, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी इसके बाहर से मान लीजिएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग का ये 32वां क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 33वां क्वेश्चन, देखिए कैसे हम लोग लगाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया 33वां क्वेश्चन, सेम टू सेम 32वां क्वेश्चन जैसा आया 33वां क्वेश्चन। दिया क्या है वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स, इसको देखिए हम लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले क्या कर देंगे हम लोग समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इंटीग्रल वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आ रहा होगा। इसका इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल वन अपॉन, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आ रहा है ना। इस नीचे से ऊपर लेकर चला जाएंगे, सॉरी ऊपर लेकर जाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन, इसको कर सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग दो से गुणा कर देंगे या दो से क्या कर सकते हैं भाग कर देंगे, क्योंकि मान में कोई अंतर न आए। तब देखिए आगे क्या कर देंगे हम लोग इसको वन अपॉन टू इंटू इसको इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, तो अलग अलग करने से एक चीज़ बेनिफिट होगा हम लोग को, साइन जोड़ देंगे और साइन घटा देंगे, जोड़ने और घटाने में दिक्कत नहीं हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस एक्स, यहाँ पे घटा देंगे साइन तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको एक क्वेश्चन में कर लेंगे और इसको एक क्वेश्चन में अपॉन क्या लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब चलिए इसके आगे देखते हैं इधर कैसे हम लोग इसको आगे लगाते हैं। तो आगे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, वन अपॉन टू है तो वन अपॉन टू ही हम लोग बाहर रख देंगे और बड़े से कोष्टक में इसको अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग, तो इंटीग्रल इसको अलग करेंगे तो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है प्लस है ना, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस। अब इंटीग्रल क्या दिया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स एक कोष्टक में अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से बड़ा कोष्टक अंत में हम लोग बंद कर देंगे। चलिए देखते हैं अब आगे, वन अपॉन टू है तो वन अपॉन टू बड़े कोष्टक में ये कट जाएगा कितना होगा एक एक इंटू डी एक्स, इंटीग्रल में ही रहेगा याद रखिएगा। प्लस इसको ऐसे लिख देंगे इंटीग्रल कोष्टक में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोष्टक में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए मानने वाला प्रोसेस, यहाँ पे मानने वाला प्रोसेस आ गया है। देखिए मान लेंगे, माना ये नीचे वाला मानेंगे क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इसकल टू क्या मान लेंगे हम लोग टी मान लेंगे, तो हम लोग जानते हैं अवकलन करने पे, अवकलन करेंगे तो क्या कॉस का अवकलन माइनस साइन, लिख देंगे माइनस साइन एक्स, ये तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, इसके बाहर डी एक्स इसकल टू क्या हो जाएगा डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से माइनस निकाल के उधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी। हम बोले माइनस का उधर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे ना। अब देखिए उसमें मान रख देंगे वन अपॉन टू बड़े कोष्टक में इंटीग्रल वन इंटू एक्स सॉरी वन इंटू डी एक्स का क्या होगा एक्स होगा ना प्लस इतना का मान क्या है डी एक्स का मान माइनस डी टी, तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगी नहीं इंटीग्रल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब डी टी अब वन अपॉन ये क्या हो जाएगा टी,
ये बड़े से कोष्टक बंद हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू यक्स है तो यक्स माइनस वन अपॉन टी क्या होता है लॉग टी, यही होता है ना फॉर्मूला होता है इसका। अब देखिए यहाँ पे टी का मान रख देंगे तो वन अपॉन टू यक्स माइनस लॉग टी, तो लॉग टी का मान क्या है यहाँ पे देख लीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब प्लस ये बड़े से कोष्टक बंद होगा प्लस सी, यही हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर को, प्रेस द बेल आइकन, और एक बात और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।